सो गाइस, जब से माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में रेंडर ड्रैगन नाम की महामारी बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रही है, तब से माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के सारे पुराने सेडर भटक गए, लटक गए, भटक गए। एंड तभी मुझे पता चलता है कि तुम लोगों को सेडर बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो तुम्हारा भाई मार्केट में दौड़ लगा देता है और वहां से तुम्हारे लिए टॉप 3 बेस्ट सेडर लाता है जो लो एंड डिवाइस में भी काफी इजीली वर्क करेगा। एंड ये सेडर को देखने के बाद तुम लोग बोलोगे, क्या बात है सर, क्या बात है सर। और ये सेडर देखने के बाद तुम लोग तुम्हारे भाई को शाबाशी जरूर से देंगे और मैं इन सेडर का पोस्टमार्टम करके देखने वाला हूँ। वाटर में, डे में, नाइट में, सन पे, मून पे, स्काई में, सभी जगह मैं इन सेडर का पोस्टमार्टम करके देखने वाला हूँ। चल झूठा। सो गाइस, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो हमारे नंबर 3 पर सेडर आता है उसका नाम है एडिन एम्फीथियर। और इस सेडर का नाम कितना ज्यादा बकवास है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जब इस सेडर का नामकरण हो रहा था तब शायद सेडर के उन्होंने सस्ता नशा या गांजा फूक लिया था, तभी सेडर का नाम इतना बकवास रखा है। सही बात है। लेकिन कुछ भी कहो, सेडर का नाम भले बकवास है लेकिन ये सेडर दिखने में काफी ज्यादा तगड़ा है। और इसमें जो फॉग दिखाई देता है उसके बाद तो इस सेडर में 4 चांद लग जाते हैं। और टेक्नो गेमर का कार्सल फॉग में कितना ज्यादा तगड़ा दिखाई दे रहा है। और पर्सनली ये सेडर मुझे फॉग के कारण बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इस सेडर में कलर भी बहुत ही ज्यादा अच्छे है और इस सेडर के उन्होंने शायद डिटेलिंग बहुत ही ज्यादा तगड़ी करी है, तभी तो इस सेडर में बहुत ही ज्यादा तगड़े हमें कलर दिखाई देते है। और ये सेडर लो एंड डिवाइस में भी काफी इजिली वर्क करेंगे, इसमें आपको लो एंड डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इस में आपको वाटर नॉर्मली देखने को मिलेगा, जैसे आपको नॉर्मल वाटर देखने को मिलता है नॉर्मल माइनक्राफ्ट में। एंड इस सेडर में आपको सन पूरा गोल गोल देखने को मिलेगा और इसमें स्काई भी आपको कितना तगड़ा दिखाई दे रहा है। पर्सनली मुझे इसका सन तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट दिख रहा है और स्काई भी बहुत ही ज्यादा फेवरेट दिख रहा है। एंड नाइट का व्यू आप देख सकते हो, नाइट में भी काफी तगड़ा दिखाई दे रहा है और नाइट में भी कलर कितने तगड़े दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये सेडर बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। तो हमारा सेकंड नंबर पर जो सेडर है उसका नाम है शेप सेडर। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर सेडर है। इस सेडर को आपने कभी ना कभी तो इंस्टॉल किया ही होगा पॉकेट एडिशन के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हो इस सेडर में कलर कितने ज्यादा डार्क और कितने ज्यादा तगड़े दिखाई दे रहे हैं। इसमें ग्रास तो भाई सब कुछ ज्यादा ही तगड़ी दिखाई दे रही है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें स्काई भी कितने ज्यादा तगड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्लाउड कुछ ज्यादा ही सस्ते दिखाई दे रहे हैं। एंड इस सेडर में आपको वाटर थोड़ा रियलिस्टिक देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और नाइट का व्यू आप देख सकते हो कितना तगड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें कलर कॉम्बिनेशन क्या ही तगड़ा दिखाई दे रहा है। एंड इस सेडर में मून और सन कितने तगड़े दिखाई दे रहे हैं और यहाँ तो पूरा रोमांटिक मूड हो चुका है। हाँ मुझे पता है मैं सिंगल हूँ, लेकिन भाई साहब हमारी भी तो कोई फीलिंग है। और इस सेडर के कलर कॉम्बिनेशन नाइट में तो कुछ ज्यादा ही तगड़े दिखाई दे रहे हो, भी लाइट जब ग्लो हो रहा है भाई साहब। इसके वेदर भी देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है नाइट में, वो भी पूरा काला, ऐसा लग रहा है अभी थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है। जो फर्स्ट नंबर पर सेडर है उसका नाम है कलरफुल सेडर। और इस सेडर का नाम भी काफी सही रखा है क्योंकि इसमें सब कलरफुल दिखाई दे रहा है और इसमें स्काई आप देख सकते हो कितनी तगड़ी दिखाई दे रही है। और टेक्नो गेमर के कार्सल का पीछे का व्यू भी इसमें क्या ही तगड़ा दिखाई दे रहा है। एंड ग्रास ब्लॉक भी भाई सब क्या ही ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें वुड्स वगैरह, जंगल वगैरह सब कितने तगड़े दिखाई दे रहे हैं। एंड आप टेक्नो गेमर का स्टेचू भी देख सकते हो कितना तगड़ा ही दिखाई दे रहा है। इसमें आपको वाटर का कलर भी थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। एंड टेक्नो गेमर का स्ट्रक्चर भाई साहब क्या ही मस्त दिखाई दे रहा है। इस सेडर में तो टेक्नो गेमर का स्ट्रक्चर मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये सेडर नाइट में भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा दिखाई देता है और डे में भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा दिखाई देता है। और ये सेडर बहुत ही तगड़ा है, ये लो एंड डिवाइस में भी काफी इजीली वर्क करेगा। और ये सेडर तो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, इसीलिए मैंने इसे टॉप नंबर 1 पर रखा है। और इस सेडर को आप जरूर से ट्राई करना क्योंकि इसके कलर कॉम्बिनेशन भाई साहब क्या ही प्यारे है। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ। एंड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, ओके बाय बाय। खत्म।